जब बीते सोमवार भारत दिवाली की मस्ती में डूबा हुआ था, वहीं ब्रिटेन में नए इतिहास की इबारत लिखी जा रही थी। जी हां, सही सुना आपने, भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले और यूके के 17वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को पार्टी का नेता चुना है। साल 2015 में सांसद बनकर अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले ऋषि सुनक के लिए साल 2022 के आखिर में प्रधानमंत्री बनने तक का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। ऋषि सुनक का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। दरअसल उनके विवादित बयानों पर कई बार उन्हें भारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऋषि सुनक ने अपने पुराने विवादित बयानों में ऐसा क्या कहा था। ऋषि सुनक ने साल 2001 में एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि मेरे सब दोस्त बहुत अमीर वर्ग से हैं। मेरा कोई दोस्त वर्किंग क्लास यानी मध्य वर्ग या निम्न वर्ग से नहीं आता है। ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हुई और देश भर में ऋषि सुनक की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि इस वीडियो में ऋषि सुनक ने अपनी इस बात को बाद में सुधार भी लिया था। एक प्रोग्राम में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में ब्रेड के बढ़ते दामों पर चिंता जताते हुए कहा था कि हमारे घर में अलग अलग तरह के ब्रेड हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के बीच एक तरह का हेल्दीनेस है, लेकिन मुझे महंगाई को लेकर चिंता है। भूख के लिए संघर्ष करने की बात को लेकर सुनक की काफी किरकिरी भी हुई थी। इसके बाद उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, जो कि इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं, उनके यूके का डोमिसाइल न होने पर सवाल उठे थे। अक्षता पर आरोप लगे थे कि टैक्स बचाने के लिए उन्होंने यूके की नागरिकता नहीं ली है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ऋषि सुनक ने ब्रिटिश कंपनियों से रूस में निवेश बंद करने और किसी भी प्रकार के व्यवसाय न करने की अपील की थी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। दरअसल अक्षता के पिता की कंपनी इंफोसिस ने रूस में निवेश और व्यवसाय बंद करने से इनकार किया था। इसके बाद अक्षता मूर्ति पर इंफोसिस के लाभांश में ब्लड मनी इकट्ठा करने का आरोप लगा था। खैर, इन सब के बीच ब्रिटेन की लगातार बिगड़ती इकोनॉमी को सुधारने और फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अब ऋषि सुनक के कंधों पर है। मालूम हो कि बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के दौरान वे वित्त मंत्री के पद पर थे, जहां उन्होंने अपने काम के बूते काफी नाम कमाया था। बढ़ती महंगाई, हड़तालें, हेल्थ क्राइसिस और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी कई चुनौतियों का सामना ऋषि सुनक को करना होगा। इतना ही नहीं, उनको कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर जो दरार है उसको भी हैंडल करना होगा।